राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है, वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की रैली को दो दिन भी नहीं बीते थे कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेता आपस में भिड़ गए हैं। रैली के एक दिन बाद ही बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दिन के लिए एकजुट हुआ था महागठबंधन और उसके बाद फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल खबरों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव देश में नेतृत्व को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कौन नेतृत्व करेगा, कैसे करेगा। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एजेंडों पर राजद नेता काम कर रहे हैं। दरअसल ये आरोप अभिषेक झा ने लगाया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया और कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बने उससे अच्छा देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब उसके बाद जदयू ने आड़े हाथों लिया है। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलने वाले नेता कहीं ना कहीं गलत हैं। इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए और जो वो बयान दे रहे हैं उस आधार पर ये तय कर ले कि आखिर वो राजद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के। पूरा बयान सुनवाते हैं कैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता के बयान पर सख्त हुए हैं अभिषेक झा, जो जदयू के प्रवक्ता हैं और अपना बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ये जो मामला है बिहार में और जो राजद के नेता बयान दे रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है, वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया, उन्होंने जवाब दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब ये बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग महागठबंधन में रहकर भाजपा के एंगल को साधने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें अविलंब बाहर करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।